हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग वाज और वेयर का उपयोग करना जानेंगे। देखिए दोस्तों, आई यानी कि मैं, ना ये स्त्रीलिंग है और ना ये पुल्लिंग है, ये दोनों के साथ प्रयोग किया जा सकता है। और देखिए दोस्तों, ही यानी कि वह पुरुष के लिए या लड़का के लिए, सी यानी वह स्त्री के लिए या लड़की के लिए, दिस मतलब यह, That मतलब वह, और एक नाम। और हाँ दोस्तों, ईट ईट के साथ भी वाज का प्रयोग किया जाता है, या नपुंसक के लिए प्रयोग किया जाता है, या वो या वह, लेकिन जिसके साथ प्रयोग किया जाए वह नपुंसक होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वाज का प्रयोग इसके साथ तभी हम करेंगे जब उसके वाक्य के लास्ट में था, थे और थी रहे। तो इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। जैसा कि एग्जांपल, मैं गरीब था, तो मैं कहोगे आई, और मैं के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए वाज, और गरीब का हुआ। दोस्तों, ट्रांसलेट बनाने के बाद फुल स्टॉप देना ना भूले, नहीं तो आधी नंबर काट लिया जाता है। और देखिए आगे है, वह पुरुष के लिए, तो वह अमीर था, तो पुरुष के लिए हो गया ही, और वाज अमीर का हो गया रिच। टोटल में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। और देखिए, यह अब हो गया वह स्त्री के लिए, वह तो स्त्री के लिए, तो सुंदर थी, वह सुंदर थी, तो स्त्री के लिए सी लगता है, और वाच का प्रयोग करेंगे इसके साथ सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल, सी वाज ब्यूटीफुल। अब दिस या, तो या घर था, या घर था, यह का हो गया दिस, वाज हो गया था का, और घर, घर को हम गिन सकते हैं, इसलिए इसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, या हाउस, दिस वाज अ हाउस। अब हो गया डैट, तो वह कुत्ता था, तो वह यानी कि डैट था, तो वाज और कुत्ता को भी हम गिन सकते हैं, इसलिए इसके साथ भी ए और कुत्ता का डॉग। अब देखिए दोस्तों, अब बच गया एक नाम या इट, तो एक नाम यानी कि राम, राम धनी था, राम धनी था। देखिए राम एक नाम है, तो राम और इसके साथ वाच का प्रयोग किया जाता है, और धनी का रिच हो गया। और देखिए दोस्तों, ईट यानी कि या एक कलम था, तो इसमें देखिए दोस्तों, कलम जो क्या है, नपुंसक है, इसलिए इसके साथ हम ईट का प्रयोग करेंगे। तो ईट और था का हो गया वाज, और कलम यानी कि एक लगा हुआ भी है, अगर नहीं भी लगा रहता फिर भी हम ए देते, क्योंकि हम कलम को गिन सकते हैं, तो ईट वाज अ पेन। तो दोस्तों, जहां तक बात किया जाए तो हम लोग वाज का प्रयोग करना सीख चुके हैं। अब हम लोग बेयर में चलेंगे, तो मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए दोस्तों, तो वाज का प्रयोग करना हम लोग सीख लिए हैं, इसलिए अब हम लोग बेयर में चलेंगे। तो बेयर का प्रयोग हम उसके साथ करते हैं जिसके साथ है पिछले बार आर का प्रयोग किए हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हो गया बी मतलब हम लोग, हम दोनों, हम सब, यू मतलब आप, तुम, आप लोग, आप दोनों, आप लोग, तुम लोग। और देखिए दोस्तों, दे मतलब बे दोनों, बे लोग, बे सब। अब देखिए, दे हो गया, तो दीज हो गया, दीज मतलब हो गया ये लोग, ये सब, ये दोनों।
अब उसके बाद दोज, दोज मतलब भी वे वैसा वे लोग होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है, एक से अधिक नाम, इसके साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं और तभी करेंगे जब वह। देखिए दोस्तों, तो इसके साथ हम तभी वेयर का प्रयोग करेंगे जब वाक्य के लास्ट में था, थे और थी रहे, तो इसके साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि एग्जांपल में देखिए, हम लोग गरीब थे, तो हम लोग का हो गया बी, इसके साथ वेयर का प्रयोग, तो वेयर पुअर, वी वेयर पुअर, हम लोग गरीब थे। अब यू था आप अमीर थे, जब हम लोग गरीब थे तो आप अमीर थे। देखिए दोस्तों, तो आप यानी कि यू आर नहीं आर नहीं सॉरी दोस्तों, हम लोग वेयर का यूज करना जान रहे हैं इसलिए आर नहीं, तो यू वेयर रिच। और देखिए दोस्तों, अब हो गया दे मतलब वे, तो वे ईमानदार थे, क्या थे, वे ईमानदार थे, तो इसमें हो जाएगा दे वे आर ऑनेस्ट, दे वे आर ऑनेस्ट। अब देखिए दीज मतलब ये लोग भूखे थे, ये लोग भूखे थे, दीज और इसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, वे आर भूखे यानी कि हंग्री, दीज वे आर हंग्री। अब देखिए दोज, तो दोज दोस्तों मैं ऊपर का मिटा देता हूं आगे की ओर लिखने के लिए। देखिए दोस्तों, दोज है तो दोज यानी कि वे सब सुंदर थे, वे सब सुंदर थे, तो देखा हो गया दोज वे आर सुंदर थे, ब्यूटीफुल। अब देखिए दोस्तों, एक से अधिक नाम, तो राम और श्याम मित्र थे, तो राम एंड श्याम, तो मित्र थे यानी कि दो से अधिक नाम है इसलिए इसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे और फ्रेंड हो जाएगा, मित्र का फ्रेंड। अब इसके साथ हम लोग सॉरी दोस्तों, इसके साथ एस लगेगा क्योंकि हम दोस्त को गिन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब जरूर करें।